हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोटल मेडिकल कॉलेज इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं, अभी कितनी है प्रेजेंट में और कितनी खुलने वाली हैं इसी सेशन से, कितनी नई मेडिकल कॉलेज खुलने वाली हैं जो इसी सेशन से एडमिशन स्टार्ट होंगे उनके। तो एक एक की बात करेंगे अपन कि राजस्थान के अंदर अभी कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्रेजेंट में कितनी मेडिकल कॉलेज हैं। तो मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करूं तो कितनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 15 है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज है राजस्थान के अंदर, 15 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। जिनके अंदर अपन सीट्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ सीट्स है ना MBBS के लिए वो है लगभग 2900 सीट्स हैं लगभग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, 15 हैं उनमें। अब बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कितनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है राजस्थान के अंदर, 8, ठीक है, 8 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनके अंदर जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो हैं 1300 के आसपास सीट्स आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर होती हैं राजस्थान के अंदर अभी हैं फिलहाल, ठीक है। अब बात करें नई मेडिकल कॉलेज कितनी खुलने वाली हैं, ठीक है, तो नई मेडिकल कॉलेज कितनी खुलने वाली हैं वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे और कितनी नंबर ऑफ सीट्स उनमें इंक्रीज होंगी, बढ़ने कितनी वाली हैं वो भी अपन देखते हैं। अभी ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, इंडिया टुडे का न्यूज़ आर्टिकल है, अभी रिसेंट ही है, ये देखो आप। 4 न्यू मेडिकल कॉलेज इन राजस्थान आर एक्सपेक्टेड टू कमेंस देयर एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक सेशन एज टोल्ड बाय एन ऑफिशियल ट्यूजडे, ठीक है। तो ट्यूजडे को बात हुई, उसमें क्या हुआ कि जो एक ऑफिशियल है, ठीक है, उषा शर्मा जी जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, किसके, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो जो उषा शर्मा जी हैं उन्होंने बताया कि जो 4 नई मेडिकल कॉलेज है राजस्थान के अंदर उनकी एडमिशन प्रोसेस इसी साल से स्टार्ट होने की उम्मीद है पूरी, ठीक है, मतलब सारा जो काम है उनका हो चुका है। आगे देखो, चेयर्ड बाई द चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा, द एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्ड ए मीटिंग ऑन ट्यूजडे एज वेल। द न्यू मेडिकल कॉलेजेस आर इन द गंगानगर, कहाँ होंगी लोकेशन देख लो आप, कहाँ होंगी, गंगानगर में होगी मेडिकल कॉलेज नहीं, चित्तौड़गढ़ के अंदर नई मेडिकल कॉलेज होगी, सिरोही के अंदर नई मेडिकल कॉलेज होगी एंड धौलपुर डिस्ट्रिक्ट और धौलपुर के अंदर नई मेडिकल कॉलेज होगी। तो 4 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाली है, कहाँ जो लोकेशन है वो देख लो आप, गंगानगर के अंदर, ठीक है, गंगानगर के अंदर है, गंगानगर, सिरोही है, सिरोही, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है ये रहेगी 4 नई मेडिकल कॉलेजेस की। अब उनकी सीट्स वगैरह ये बात कर लेंगे। इट वॉज फर्दर टोल्ड बाई द डिपार्टमेंट्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी दैट इफर्ट्स आर बींग अंडरटेकन टू बींग द एडमिशन प्रोसेस इन द मेडिकल कॉलेज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अपकमिंग अकेडमिक सेशन, कि उनकी तरफ से इफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि इसी साल से क्या हो जाए, जो नए एडमिशन जो स्टार्ट होने हैं वो इसी साल से उनके अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए एडमिशन की इसी सेशन से। अब बात करें वर्क प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है इन कॉलेजेस का, वर्क टू फिनिश सून, उनका जो काम है जो उनकी बिल्डिंग वगैरह वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। दीज 4 न्यू कॉलेजेस विल ईच हैव 100 सीट, हर कॉलेज के अंदर 100 सीट होंगी। ये जो 4 नई मेडिकल कॉलेज खुलने वाली हैं इनके अंदर प्रत्येक के अंदर कितनी है, 100 सीट्स हैं। इसके अंदर 100 सीट है गंगानगर के अंदर, सिरोही के अंदर 100 सीट है, चित्तौड़गढ़ के अंदर 100 सीट है, धौलपुर के अंदर 100 सीट है। तो टोटल कितनी हो गई, 400 सीट इंक्रीज हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं ये। द ऑफिशियल फर्दर इन्फॉर्म्ड ऑफिशियल्स इन ए स्टेटमेंट दैट एजुकेशनल बिल्डिंग, जो एजुकेशनल बिल्डिंग है वो हॉस्टल फॉर रेजिडेंट्स, नर्सेस एंड इंटर्न्स, टीचर्स, रेजिडेंट्स एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आर बींग बिल्ट इन द मेडिकल कॉलेज। ये चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है, एजुकेशनल जो बिल्डिंग है वो भी बन चुकी है, हॉस्टल वगैरह, ठीक है, और जो टीचर्स वगैरह के जो रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे बन चुके हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गालरिया फर्दर स्टेटेड दैट वाइल ए मेजोरिटी ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड सून, कि मेजोरिटी जो काम है ना मेडिकल कॉलेजेस का वो हो चुका है, अब बस कुछ काम बाकी है जो कि हो जाएगा जब एकेडमिक सेशन से पहले। कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आर वर ऑल्सो डायरेक्टेड बाय द चीफ सेक्रेटरी टू फिनिश ऑल द फैसिलिटीज एंड एसेंशियल वर्क इन द न्यू मेडिकल कॉलेज एज सून एज पॉसिबल। जो कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको डायरेक्ट किया है जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने, कि जो काम है वो जल्दी से जल्दी फिनिश करा जाए जो नई मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके। तो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब 100% मानो आप कि ये जो 4 नई मेडिकल कॉलेजेज है ना इसी सेशन से, मतलब 2022 का जो सेशन होगा, ठीक है, इसके अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगे, इनके अंदर एडमिशन होने वाले हैं। तो
हर एक कॉलेज के अंदर 100 सीट होंगी, तो लगभग 400 सीट इंक्रीज होंगी राजस्थान के अंदर, नई मेडिकल कॉलेजेस से 400 सीट इंक्रीज होंगी। तो अभी कितनी है ये 2900 है, तो प्लस आप 400 कर दो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो ये होगी आपकी कितनी 3300, ठीक है 3300 सीट्स होगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब प्राइवेट की बात कर लूँ, तो प्राइवेट की अगर बात करें तो ये जो 1300 मेडिकल जो सीट्स हैं MBBS की जो सीट्स हैं, इनके अंदर अगर फीस वाला जो सिनेरियो बनता है ना, फीस वाला सिनेरियो बनता है तो और भी डाउन और भी मतलब बेनिफिट्स होगा जो नीड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि उनको कम फीस पर मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो ये जो है, ये जो सीट्स हैं नई मेडिकल कॉलेज चार होने वाली हैं राजस्थान के अंदर। बाकी जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेज हैं राजस्थान की, उनके अंदर भी सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। तो ये हमने बात की राजस्थान स्टेट की। अगर आपको दूसरे स्टेट्स के बारे में जानना है, कितनी नई मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाली हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं, तो स्टेट का नाम कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी स्टेट पर होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।